NPS। रिटायरमेंट प्लानिंग कब शुरू करना चाहिए? 20 वर्ष की आयु में सोचना हमें जल्दी लगता है। 30 वर्ष की आयु में शादी की जिम्मेदारी आती है। 40 वर्ष की आयु में बच्चों की शिक्षा और मकान लेना हमारी प्राथमिकता होती है। 50 वर्ष की आयु में हम रिटायरमेंट सेविंग के लिए सोचना शुरू करते हैं और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए NPS में निवेश जल्दी शुरू करें और अधिक लाभ लें। जल्दी शुरू, बाद में शुरू। आयु, मासिक योगदान, कुल निवेश का मूल्य 8%, दोनों की निवेश राशि बराबर है, लेकिन पहले शुरू करने वाला बाद वाले से रुपया 18,32,000 ज्यादा धनी होगा। क्या मैं इस योजना से जुड़ने योग्य हूँ? कोई भी जो भारत का नागरिक हो, प्रवासी भारतीय हो, जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच की हो, NPS से जुड़ सकता है। मुझे इससे क्या लाभ मिलेंगे? आपके योगदान के आधार पर मार्केट आधारित रिटर्न, कहीं से भी खाता संचालित करने की सुविधा, न्यूनतम प्रारंभिक योगदान, नियमित वार्षिक योगदान, निवेश की कोई सीमा नहीं, भरोसेमंद निवेश, क्योंकि NPS PFRDA गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी द्वारा विनियमित है। NPS को अब EEE का दर्जा दिया गया है। अब धन निकासी टैक्स फ्री है। NPS में निवेश पर विशेष टैक्स की छूट, 50,000 U/S ATCCD-1B। 20 साल के निवेश के बाद आपने इतने का टैक्स बचाया। अच्छा, मैं NPS से कैसे जुड़ सकता हूँ? अलंकित से संपर्क करें और NPS अकाउंट खोलें। टीयर 1 अकाउंट, टैक्स लाभ और निकासी प्रतिबंधिता के साथ एक डिफॉल्ट अकाउंट। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल, निकासी जमा की प्रतिबंधिता के बिना एक निवेश अकाउंट। अलंकित भारत का एक अग्रणी सर्विस प्रोवाइडर, POPSP, देश भर में उपस्थित फैसिलिटेशन सेंटर, सरल पंजीकरण, तीव्र ग्राहक सेवा। अधिक जानकारी के लिए www.alankit.com पर विजिट करें। मेल nps@alankit.com, कॉल 9773-772-772। हैप्पी रिटायरमेंट का सपना NPS से हो अपना।